वेलकम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। कल मैंने बताया था कि प्रोजेक्टाइल को एक सर्टेन हाइट से हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया जाए तो उसकी पाथ कैसी होगी, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, उसको कितना टाइम लगेगा नीचे तक आने में, और भी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ये सारे काम हमने कल हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन के केस में हमने किए थे। आज हमें एक बॉडी गिवन होगी जो प्रोजेक्टाइल की तरफ बिहेव करेगी। मान लो कि ये पेन है मेरे हाथ में और हॉरिजेंटल के साथ ये सर्टेन एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाएगा विद सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ, और हमसे पूछा जाएगा कि प्रूफ कीजिए कि इसका पाथ, इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है पैराबोलिक होगी, और इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन ऑब्टेन करना होगा। ठीक है, इसके बाद हमसे मैक्सिमम हाइट जो अटेन होगी प्रोजेक्टाइल के द्वारा उसके लिए एक्सप्रेशन पूछा जाएगा। हमसे पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक्सप्रेशन पूछा जाएगा। हमसे हॉरिजेंटल रेंज के लिए एक्सप्रेशन पूछा जाएगा। तो क्या क्या काम हमें करने होंगे, एक प्रोजेक्टाइल को जिसको हॉरिजेंटल के साथ सर्टेन एंगल पर सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी के बाद प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसके लिए चार बातें पूछी जाएंगी आपसे। चार बातों में पहली बात इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करते ही हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोलिक, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में आप देखोगे कि वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स जो आएगा तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स होगा, और जिससे कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ पैराबोलिक प्रूव हो जाता है। दूसरा, मैक्सिमम हाइट जो अटेन होगी उसके लिए एक्सप्रेशन। तीसरा, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि पूरी यात्रा के दरमियान प्रोजेक्टाइल की जो समय लगा उसके लिए एक्सप्रेशन। और चौथा, उसके द्वारा जो टोटल स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक जो टोटल हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया जाएगा जिसको हम रेंज कहते हैं उसके लिए एक्सप्रेशन। तो ये चार एक्सप्रेशन हमें ऑब्टेन करने हैं, आज का काम हमारा यही है। तो मान लो कि एक प्रोजेक्टाइल है, ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया और यहाँ पर पॉइंट ओ है। यहां से एक प्रोजेक्टाइल को जिसकी मास कुछ भी हो, मास में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, एक सर्टेन मास की प्रोजेक्टाइल को एक सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ थ्रो किया गया, यू के साथ प्रोजेक्ट किया गया, और ये जो यू की जो डायरेक्शन है, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ मान लो कि थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किए जाने के बाद जो है वो ऐसे आकर के इस तरह की पाथ को फॉलो करते हुए वो फिर ग्राउंड पर, इस ग्राउंड लेवल पर कहीं पहुंच रहा होगा। मान लो कि पॉइंट ए पर पहुंच रहा है वो। ठीक है, तो तुम एक चीज देखो, प्रोजेक्ट किया गया था इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ, जैसे जैसे ऊपर उठता गया वो, ऊपर उठते उठते उसने एक मैक्सिमम हाइट अटेन करी। तो मान लो कि ये वाली हाइट जो है ये वो हाइट है जिसको मैक्सिमम हाइट कहेंगे। मान लो कि ये एच है, तो इसके लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे हम। साथ ही यहां से फिर वापिस आकर के यहां तक आने में जो टाइम लगेगा, यू से ए तक आने में जो टाइम लगेगा जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, उसके लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे। ओ से ए की ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है इसको हम रेंज कहेंगे, रेंज आर से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक्सप्रेशन हमें ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा ऐसे प्रोजेक्टाइल के लिए जिसको एंगुलरली प्रोजेक्ट किया गया है, इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन ऑब्टेन करना, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑब्टेन करना। मतलब क्या ऑब्टेन करना, सपोज करो कि प्रोजेक्टाइल इस पाथ को फॉलो करते हुए किसी समय यहां पहुंचा, एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट मान लो कि एक्स और वाई है। तो यहां से प्रोजेक्ट किया गया था इस पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेंगे, तो इसकी जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगी, मतलब कि ये वाली डिस्टेंस जो है वाई हो गई और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये एक्स हो गई। यानी कि मान लो कि t इक्वल टू जीरो पर प्रोजेक्ट किया गया था और t सेकेंड के बाद प्रोजेक्टाइल इस पाथ को फॉलो करते हुए
किसी समय किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी सेकेंड पर पी पर पहुंच रहा है, जिसकी एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है ऐसे दे रखी है, एक्स वाई मतलब कि इतना डिस्टेंस एक्स हो गया, इतना डिस्टेंस वाई हो गया। तो पहले ये बताओ, प्रोजेक्टाइल को चूंकि इनिशियली यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था, तो इस यू वेलोसिटी को जो कि एक वेक्टर है, इसके हम दो कंपोनेंट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, और वो क्या होगा, तो इस इनिशियल वेलोसिटी यू का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वो समझते हो तो यू कॉस थीटा होगा, ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना होगा, इनिशियली ये वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल जिसको इनिशियली यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया, इसकी स्टार्टिंग में इनिशियली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू कॉस थीटा रहेगी और इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू साइन थीटा होगी, ठीक है। इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू कॉस थीटा की कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, इसीलिए इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू कॉस थीटा है थ्रू आउट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी तरह का फोर्स ही एक्ट नहीं कर रहा है जो इसकी वेलोसिटी को बढ़ाए या घटाए, इसको एक्सीलरेट करे या रिटार्ड करे। सो इसकी यू कॉस थीटा वाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, लेकिन इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है यू साइन थीटा, ठीक है, ये तो इनिशियली है t इक्वल टू जीरो पर है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा इस u साइन थीटा वाले कंपोनेंट में डिक्रीजमेंट होगा, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की ओर जाने लगेगी इस पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए, तो क्या होगा कि शुरू में ग्रेविटी का फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये फोर्स क्या करेगा, इसकी अपवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू साइन थीटा को कमजोर करने लगेगा, इसको डिक्रीज करने लगेगा, रिड्यूस करने लगेगा। तो यू साइन थीटा की इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्टेड जो प्रोजेक्टाइल है, इसकी ये इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी धीरे 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 डिक्रीज होने लगेगी, और डिक्रीज होकर के इस मैक्सिमम हाइट अटेन करते ही इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू साइन थीटा डिक्रीज होकर के रिड्यूस होकर के जीरो हो जाएगी। ध्यान देना, यू साइन थीटा इनिशियली क्या होगी, ये डिक्रीज होती जाएगी, और ओ से मान लो कि ये पॉइंट मैक्सिमम हाइट वाला कैपिटल एच से डिनोट किया जाए, ठीक है, तो या इसको किसी और पॉइंट से डिनोट कर लो, चलो एल ले लेते हैं या एम ले लेते हैं। तो ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट अगर एम है, तो ओ से एम तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है, इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियली यू साइन थीटा थी वो रिड्यूस होकर के यहां जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो रहेगी, लेकिन फिर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहां भी यू कॉस थीटा ही रहेगी, क्योंकि यू कॉस थीटा के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी शुरू में रिड्यूस होकर के मैक्सिमम हाइट पर जीरो हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, ये तो फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी हो गया, जिसको एसेंट कहेंगे, मतलब यहां पर ये प्रोजेक्टाइल क्या हुआ है, इसने मैक्सिमम हाइट अटेंड करी है, ऊपर उठता गया है। अब सेकेंड हाफ जर्नी में क्या होगा, प्रोजेक्टाइल नीचे आने लगेगा, इसकी हाइट रिड्यूस होने लगेगी, और जब ये मैक्सिमम हाइट को क्रॉस करेगा प्रोजेक्टाइल, तो इसकी यहां तो इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो गई, अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी के द्वारा खींचा जाएगा, अब धीरे धीरे इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और जब ये ग्राउंड को हिट करेगा उस समय इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा में कोई बदलाव इसलिए नहीं आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइन करना है इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। तो क्या करेंगे, तो मान लो कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी सेकेंड के बाद प्रोजेक्टाइल जब पी पॉइंट पर पहुंच रहा है, जिसकी कोऑर्डिनेट्स जो है एक्स एंड वाई है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस प्रोजेक्टाइल ने इस कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू कॉस थीटा के साथ t
30 सेकेंड में हॉरिजेंटल डिस्टेंस x के बराबर ट्रेवल करी है, कितनी देर में, 30 सेकेंड में। 30 सेकेंड में प्रोजेक्टाइल के द्वारा x मीटर की दूरी 30 सेकेंड में तय की गई है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा की कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। और ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y हुआ है ये एक वेरिंग वेलोसिटी के साथ, ध्यान देना, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा जो थी ये हेल्प करेगा इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन इसकी वैल्यू ये शुरू में u sin थीटा थी, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ये कमजोर होता जा रहा है, इसकी वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है, यानी कि इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है चेंज होती गई है, और शुरू में फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी के लिए डिक्रीज हुई है, सेकेंड हाफ ऑफ जर्नी में इंक्रीज हुई है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो थ्रू आउट कांस्टेंट रहा, जिसकी वजह से टी सेकेंड में इस प्रोजेक्टाइल ने एक्स मीटर की दूरी तय करी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू कॉस थीटा के साथ। लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये जो वाई ट्रेवल हुआ है ये कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ ये ट्रेवल हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू, सो x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ये जो u cos थीटा की कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ t सेकेंड में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x जो हुआ है, तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट वेलोसिटी u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये x के लिए ये एक्सप्रेशन आया। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि सो t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा, और इसे मान लो कि इक्वेशन नंबर 1। अब ये बताओ y के लिए एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, मैंने पहले ही कहा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा ये रिस्पॉन्सिबल है जो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते जा रहा है। तो y के लिए हम लिखेंगे y इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहां u का मतलब u sin थीटा इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्लियर है। अब ये बताओ कि t की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले इक्वेशन से, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y हो जाएगा तुम्हारा u sin थीटा इंटू टी की जगह पुट कर दो x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g, और t स्क्वायर के लिए फिर से t की वैल्यू पुट करो x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर, और यही तुम्हारा एक्स वाई का रिलेशन जो है इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा। वाई सिंप्लीफाई करते हैं, पहले यू से यू कट गया, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हुआ, और ये एक्स प्रोडक्ट में है, तो ये हो गया तुम्हारा एक्स टेन थीटा माइनस जी, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू, नीचे में ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, या यू कहो कि y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि 1 बाई cos स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा अपॉन टू यू स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा रीअरेंज कर ले, तो sec स्क्वायर थीटा को पहले कर लेते हैं और x स्क्वायर को बाद में, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज जी इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, अलग से करके लिख देते हैं। अब तुम इस इक्वेशन को गौर से देखो, यही है प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन, यू कैन से दिस इक्वेशन नंबर 2। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन हुआ, आप गौर से देखो इस इक्वेशन को, तो ये टेन थीटा, चूंकि एंगुलर प्रोजेक्शन के समय ये जो एंगुलर प्रोजेक्शन है वो थीटा हमारा कॉन्स्टेंट है, तो टेन थीटा कॉन्स्टेंट हो गया, जाहिर सी बात है जी sec स्क्वायर थीटा अपॉन टू यू स्क्वायर ये भी कांस्टेंट होगा। तो ये किस रूप का है, तो ये है आपका ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर फॉर्म का इक्वेशन है, ठीक है। tan थीटा को हमने स्मॉल a मान लिया है कांस्टेंट, और जी sec स्क्वायर थीटा और टू यू स्क्वायर को अगर हम स्मॉल b एक अनदर कांस्टेंट मान लें, तो ये y जो है ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर फॉर्म का हुआ इक्वेशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो तुम देख रहे हो कि y जो है x का एक क्वाड्रेटिक फॉर्म का फंक्शन है, मतलब कि ये जो
पाथ होगा जिस मोशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसका जो पाथ होगा, पाथ या ट्रेजेक्ट्री कह लो, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो पैराबोलिक होगी। तो मैथमेटिकली हमने क्यों, क्योंकि इस फॉर्म का कोई भी इक्वेशन अगर आता है तो ये पैराबोला का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो तुम देख रहे हो ये मैथमेटिकली हमने प्रूफ कर दिया कि ट्रेजेक्ट्री पाथ जो होगा वो पैराबोलिक होगा, और तुम देख रहे हो कि एक्चुअल में किसी प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो ये पाथ जो है इस तरह का होता है कि स्टोन पीस को भी अगर तुम हॉरिजॉन्टली ऐसे थ्रो करके तुम देखो, जैवलिन थ्रो करके देखो, ठीक है, तो ये ऐसा ही कर्व पाथ आता है, पैराबोलिक पाथ आता है, और जैवलिन जो है इस पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए या जो कुछ भी प्रोजेक्ट किया गया है ऐसे ही पाथ को फॉलो करते हुए और आगे जाकर के गिरता है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन प्रोजेक्टाइल इज एंगुलरली प्रोजेक्टेड। अब हमें दूसरा काम करना है, इस मैक्सिमम हाइट h के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैक्सिमम हाइट अटेन होने पर ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि इनिशियली u sin थीटा थी वो जीरो हो जाती है, ठीक है। हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगी यू कॉस थीटा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट वाली पॉइंट एम पर जीरो हो जाएगी रिड्यूस होते होते। तो इस क्राइटेरिया का हम यूज करेंगे और ये हमें मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन करने में मदद करेगा। तो एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट दूसरा काम, तो पहला हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, नाउ विल ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। तो दूसरा एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट एच, ठीक है। एक काम करें, इसे कैपिटल एच से डिनोट कर लेते हैं, कैपिटल एच से डिनोट कर लेते हैं। तो एस The vertical component of velocity, vertical component of velocity is zero at the maximum height, at the maximum height m, at the maximum height m. So याद करो फॉर्मूला, वी एस स्क्वायर इज इक्वल टू यू ए स्क्वायर और माइनस टू ए एस वाला, तो ए की जगह यहाँ जी हो जाएगा और एस की जगह ये एच हो जाएगा, इसका इस्तेमाल करते हैं। और वी का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि फाइनली एंड पॉइंट पर जीरो हो गई है और जो कि इनिशियली यू साइन थीटा हुआ करती थी। तो इस फॉर्मूला का, इस इक्वेशन ऑफ मोशन का हम प्रयोग करें तो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू ए स्क्वायर यानी यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू जी एच, टू जी एच, टू ए एस, ए की जगह जी और एस की जगह एच, और इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो वी की जगह हम जीरो पुट करेंगे। एज वी इज इक्वल टू जीरो, एज वी इज इक्वल टू जीरो, सो जीरो इज इक्वल टू, अब इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस टू जी एच, ये आ जाएगा आपका 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, विच इंप्लाइज h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो दो काम हम कर चुके हैं, एक तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन हमने ऑब्टेन किया और उसके बाद मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला आ गया, ये दूसरा फॉर्मूला। अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट एंड टाइम ऑफ एसेंट के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। जरा ये समझ लो, टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। ओ पॉइंट से इस पाथ को फॉलो करते हुए एम तक आने में कुछ वक्त लगेगा और ये वो समय है जब प्रोजेक्टाइल जो है ऊपर उठता गया है, यानी कि असेंडिंग सिचुएशन में है, इसीलिए ओ से एम तक आने में जो टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। और फिर एम के बाद क्या हो रहा है, प्रोजेक्टाइल नीचे गिर रहा है, इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस होकर के फाइनली ए पर जीरो हो जा रहा है। तो इस यहां से एम से ए तक आने में जो लगा हुआ समय है इसको टाइम ऑफ डिसेंट कहा जाता है। तो ये यहां से यहां तक आने में लगा समय है टाइम ऑफ एसेंट,
एम से ए तक आने में लगा हुआ समय टाइम ऑफ डिसेंट कहलाएगा, और पूरी जर्नी में जो लगा हुआ समय है स्पेंड टाइम है ओ से ए तक आने में, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है, जिसको कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले टाइम ऑफ एसेंट का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे, और फिर तो एक्सप्रेशन फॉर तीसरा करेंगे टाइम ऑफ एसेंट, फिर उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे। थर्ड एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ एएससीईएनटी एसेंट, मान लो कि ये टी वन से हम डिनोट करें टाइम ऑफ एसेंट को, तो ये वो समय है टी वन समय जब प्रोजेक्टाइल ओ से इस पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हुए एम पर पहुंच रहा है मैक्सिमम हाइट पर। तो इस मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर जैसा कि तुमने देखा कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू साइन थीटा से रिड्यूस होकर के क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर टी वन समय में ये हो रहा है तो वी यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइनली एम पर जो कि जीरो हो जाएगी, वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी वन फॉर्मूला लगा दें, वी इज इक्वल टू यू माइनस ए टी वाला। तो यू क्या है, यू साइन थीटा है, तो टी वन सेकेंड के बाद ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू साइन थीटा रिड्यूस होकर के मैक्सिमम हाइट एम पर जीरो हो जाएगी। तो बताओ टी वन निकालने का क्या तरीका, हम कर दें वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी वन, वेयर यू का मतलब यू साइन थीटा और वी का मतलब जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू एज जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी वन, सो टी वन हो जाएगा तुम्हारा यू साइन थीटा अपॉन जी, और ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ एसेंट आ गया। ठीक है, अब ये टाइम ऑफ एसेंट आ गया, तो अब इसके बाद हमें टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है और टाइम ऑफ फ्लाइट पूरी जर्नी में लगा हुआ समय निकालना है। तो एक काम करते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट बाद में निकालेंगे, कुछ कारणों से अभी समझ में आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकाल लेते हैं। तो मान लो कि ओ से एम होते हुए फाइनली ए तक, यानी कि जिस लेवल से उठा था प्रोजेक्टाइल उसी लेवल पर आने तक, यहां से ओ से तक पहुंचने में लगा हुआ समय कैपिटल टी है, जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट हम कहने जा रहे हैं। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये तो जीरो हो गया, जिस लेवल से उठा था उसी लेवल पर वापस आ गया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो इसका फायदा उठाएंगे, कितनी देर के बाद ये जीरो हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तो ये टी कैपिटल टी सेकेंड के बाद हुआ है। तो इफ कैपिटल टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम ऑफ फ्लाइट, देन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, ध्यान देना s is equal to ut minus half ut square, तो u क्या है, u sin theta, फिर vertical component of velocity की बात उठ रही है, क्योंकि vertical displacement फिर vertical component of velocity के द्वारा ही travel किया जाएगा, जो कि zero है, तो t second में लिखा जाएगा u sin theta t minus half gt square, तो ये बताओ यहाँ से gt square upon 2 is equal to u sin theta t हो गया, u sin theta into t हो गया, एक t cancel, यहाँ से ये बताओ t is equal to हो जाएगा 2u sin theta, 2u sin theta upon g हो गया। तो this is the expression for time of flight, यानी कि पूरी जर्नी के लिए जो समय लगेगा प्रोजेक्टाइल का वो इतना लगेगा। तुम देखो एक्सप्रेशन है 2u sin theta by g, और सिर्फ टाइम ऑफ एसेंट जो है ये ओ से एम तक आने में लगा हुआ समय t1 जो टाइम ऑफ एसेंट है u sin theta by g आया है। तो बताओ तो टाइम ऑफ डिसेंट एम से ए तक आने में लगा हुआ समय यदि टी टू है तो टी टू कैसे निकालोगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में और यहां से यहां तक टाइम ऑफ एसेंट को घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू, तो टाइम ऑफ डिसेंट इज टी टू इज इक्वल टू, टी टू इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम ऑफ एसेंट, तो दिस इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी माइनस टाइम ऑफ एसेंट आपका यू साइन थीटा
अपॉन जी है, तो दिस विल बिकम इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये आ गया आपका टाइम ऑफ डिसेंट के लिए एक्सप्रेशन। अब तुम इन दोनों एक्सप्रेशन को देखो, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों का एक्सप्रेशन सेम है, मतलब जितना समय प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्शन के टाइम के बाद मैक्सिमम हाइट तक अटेंड करने में लगेगा, उतना ही टाइम इस प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट से गिर करके फिर ग्राउंड तक आने में लगेगा, ठीक है। यानी कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ दिस टू टाइम्स, यू साइन थीटा बाय जी प्लस यू साइन थीटा बाय जी, दैट इज टू यू साइन थीटा बाय जी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके क्लियर रहने चाहिए। अब हमें क्या निकालना है, अब रेंज के लिए एक्सप्रेशन हमें चाहिए। तो नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी वांट एक्सप्रेशन फॉर रेंज। तो ये बता, पूरे टाइम पूरी जर्नी में जो लगा हुआ समय है कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, इतनी देर तक पार्टिकल प्रोजेक्टाइल जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी यू कॉस थीटा के साथ मूव करता रहा, ठीक है। तो पहले तो हम लिखते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर रेंज, एक्सप्रेशन फॉर रेंज, रेंज का एक्सप्रेशन हम कैसे निकालेंगे, रेंज आर। तो रेंज क्या है, ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल है, यानी ओ से ए के बीच की दूरी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के द्वारा ही ट्रेवल होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि यू कॉस थीटा है ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रही है, ठीक है। और ओ से ए तक आने में जो समय लगा है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर कैपिटल टी के बराबर, तो हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल ने आर मीटर की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करी है यू कॉस थीटा की कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कैपिटल टी सेकेंड में, जिसके लिए एक्सप्रेशन टू यू साइन थीटा बाई स्मॉल जी आया है। तो अगर यू कॉस थीटा को हम टी से मल्टीप्लाई कर दें, यानी टू यू साइन थीटा बाई जी से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें रेंज के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो रेंज इज इक्वल टू, रेंज आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा की कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू कैपिटल टी। तो ये हो गया आपका, सो आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टी, हाउ मच, टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा, जस्ट हम एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया अपॉन जी। तो ये हो गया आपका 2 इंटू यू स्क्वायर, या एक काम करो यू स्क्वायर रहने दो, यू इंटू यू कर दो यू स्क्वायर, और इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन टू थीटा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर रेंज, ठीक है। तो रेंज के लिए एक्सप्रेशन आ गया हमारा यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी आ गया, क्लियर है। तो हमने क्या क्या एक्सप्रेशन ऑप्टेन कर लिया, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कर लिया, हमने मैक्सिमम हाइट के लिए एक्सप्रेशन ऑप्टेन कर लिया, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक्सप्रेशन ऑप्टेन किया, हमने प्रूफ किया कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है यू साइन थीटा अपॉन जी के बराबर, एंड फाइनली वी ऑप्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रेंज, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, और इन सारे एक्सप्रेशंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कल इस पॉडकास्ट हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, थैंक यू।